गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राहुल नेगी एक बार फिर आप सभी के सामने एक नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। आज मैं जो विज़िट कराने जा रहा हूं आपको, ये राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का कैंपस है। सिर्फ कैंपस ही होता तो शायद कुछ ख़ास बात नहीं होती, लेकिन उसके साथ साथ एक ख़ास ओकेज़न आज यहाँ पर होना बाकी है, जो थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। साथ साथ में आप कैंपस भी देख पाएंगे। ये जगह हमारा स्पेस अभी खाली रखा गया है कुछ समय पहले, जैसा मैंने कहा था कि जो डेंजरस पेड़ हो गए थे, बल्कि हो गए थे, उन्हें साफ किया गया है। आजकल ग्राउंड हमारा जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और मल्टीपर्पज़ स्टेडियम जो है उसका काम यहाँ से जारी है। समय हालांकि काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, जिस वजह से हमारे जो बच्चे हैं उनको पिछले छोटे ग्राउंड में अपना गुजारा फ़िलहाल करना पड़ रहा है। तो ये भी दिखाने की एक वजह है, जो बुद्धिजीवी हैं, जो समझते हैं इस बात को कि हमारे बुज़ुर्गों के लिए, हमारे बच्चों के लिए ग्राउंड कितना ज़रूरी है, तो थोड़ा स्पीड अप काम को किया जाए। मुझे लगता है आज का एक मुख्य एजेंडा ये भी होगा। हम बात कर रहे हैं आज के ओकेज़न की, और ओकेज़न है जनमंच। ये जनमंच आदर्श विद्यालय कैंपस में आयोजित किया जा रहा है। देख रहे हैं आप, इधर को आर्ट्स ब्लॉक है, और आर्ट्स ब्लॉक के ठीक साथ में कॉमर्स ब्लॉक। ये अलग अलग जो पैचेज़ लगे हैं, आज साइन बोर्ड लगे हैं, नेम लिखे गए हैं, थोड़ा सा आइडिया आपको लगेगा। मैं चाहता हूं कि हल्का सा सस्पेंस बना के रखूं आपको। अभी वो मेन जो जगह है लॉबी, वो भी आपको दिखाएंगे। सभी प्रकार के बैंक्स हैं, उनके आउटलेट होंगे आज यहां पे। और हाँ, थोड़ा सा ये दिखा दूं मैं आपको, ये है ज्योग्राफी लैब, मेरी अपनी लैब। अंदर से तो फिर कभी दिखाऊँगा आपको। फिलहाल जो किसी समय यहाँ पे कॉलेज यानी महाविद्यालय जो है उसको चलाया जाता था, इस बिल्डिंग में 31 अगस्त 1994 में शुभारंभ हुआ था। तब के हमारे दिवंगत श्री वीरभद्र सिंह जी ने इनका उद्घाटन उस वक्त किया था, और 94 के बाद कॉलेज खुलने के बाद लगातार हमारा ये क्षेत्र, करसो क्षेत्र जो है, बहुत उन्नति कर रहा है। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पर जो खर्चा नहीं कर पाते थे, स्टडी के लिए जा नहीं पाते थे, उन सबको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। और आज शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पे हमारे करसो के बच्चे अपना नाम दर्ज नहीं करा पा रहे होंगे। किसी भी विभाग की कोई भी पोस्ट निकलती है तो करसो का नाम वहाँ पर हमेशा रहता है। हमारे हर साल हर बच्चे जो है बहुत मेहनत के साथ वहाँ पहुँचते हैं। तो ये है मुख्य लॉन जो हमारे महाविद्यालय का। कैसे हैं जी, तैयारी पूरी है? ओके। वो क्या है कि आप लोग देखते होंगे, अक्सर लोग मिलते हैं, बहुत रिगार्ड करते हैं। कारण ये है कि हम सभी से अब जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, ज़िंदगी उसी का नाम है दोस्तों। ये है हमारा आदर्श विद्यालय का स्टाफ रूम, और इसके ठीक सामने है हमारा प्रिंसिपल रूम। ओबे विद स्माइल, बहुत अच्छी बात लिखी गई है। बाकी कैंपस तो हम आपको दिखाएंगे अभी, लेकिन जो चीज़ दिखानी है आपको वो है हमारा मुख्य लॉन वाला जो क्षेत्र है दोस्तों। बहुत शानदार पंडाल लगा है यहाँ पे, टोटल वाटरप्रूफिंग की गई है। 1500 लोगों की बैठने की कैपेसिटी इसके अंदर तैयार की गई है प्रशासन के द्वारा, क्योंकि मौसम काफ़ी दिनों से बहुत ख़राब चल रहा है, और ऐसा अंदेशा है, आशंका है कि शायद ये मौसम अभी कुछ आने वाले दिनों में भी ख़राब रहेगा। तो जो टेंट वाले हमारे भाई साहब हैं उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। फ़िलहाल हम चले हैं अपने स्टेज की तरफ। ये आदर्श विद्यालय का स्टेज है दोस्तों, जो आज प्रयोग किया जाएगा।
जनमंच के लिए 12 सितंबर 2021 हिमाचल प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी जनमंच में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज के मुख्य अतिथि श्री महेंद्र सिंह ठाकुर, माननीय जल शक्ति राजस्व बागवानी एवं सैनिक कल्याण मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार, स्थान राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय करसोग, जिला मंडी हिमाचल प्रदेश, और ग्राम पंचायत जो इसमें आएंगी आज के इस कार्यक्रम में, ये है काव यानी कमाक्षा, कुफरीधार, बगैला, बंथल, खड़कन, बढ़ारनू, सनारली, दछैण, मतेहल, भनेरा, थाचथर्मी, लोअर करसोग और मुमेल। तो इन पंचायतों के लिए ये जनमंच आज ऑर्गेनाइज किया गया है। स्टेज आप देख सकते हैं, लगभग तैयार है। मौसम हालांकि ख़राब है, लेकिन जो व्यवस्था है वो इतनी शानदार की गई है कि वाटरप्रूफिंग है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत आएगी। क्षेत्रराम जी, 2 मिनट के लिए आगे आएंगे आप। सर, बस 2 शब्द पूछने थे आपसे। ये भाई साहब हैं सुंदरनगर से, इन्होंने ही ये पंडाल जो है ये तैयार किया है। तो जनाब, ये पंडाल लगभग कितने बाई कितने का होगा? ये सर 60x120 फुट का है। ओके, और लगभग कितनी कैपेसिटी के कितने लोग बैठ पाएंगे? 1200 बंदे इजीली बैठ पाएंगे डिस्टेंसिंग के अंदर। और अगर चेयर्स एक्स्ट्रा लगा दें तो 1500 तक बैठ सकते हैं। जी सर। अच्छा, टोटल वाटरप्रूफ है? बिल्कुल वाटरप्रूफ है, यानी पानी बारिश जितनी मर्जी आए कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिए सर। हाँ, मैंने तो चेक कर लिया। बहुत अच्छा काम है आपका, बहुत बेहतर काम है। बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार अपना नाम और अपना स्थान बता दें। सर, मैं सुंदरनगर से हूँ, बंसल टेंट सर्विस। बंसल टेंट सर्विस। और आपका शुभ नाम? यशवंत बंसल। तो यशवंत बंसल जी, बहुत बढ़िया काम किया आपने। आप ऐसे ही अच्छा काम आगे भी करते रहे, और अगर मौका मिला तो हमारा जो फंक्शन होता है यहाँ पे, उस पर भी आपको मौका देंगे। कोई सर, सेवा का मौका देना। जी, जरूर। बहुत बढ़िया दोस्तों। तो फिर ये थे यशवंत बंसल जी, जिन्होंने सारा अरेंजमेंट किया है। हाँ, मैं चलते चलते देख रहा था कि कहीं ना कहीं मेरा नाम भी यहाँ पे आ गया है, डोनेटेड बाई DS नेगी। तो ये बात है लास्ट ईयर की, जब ये न्यूज़पेपर स्टैंड है, दो जिस विद्यालय से हम सीखे हैं उसको वापस किया था मैंने, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन। तो 2 न्यूज़पेपर स्टैंड अपने आदर्श विद्यालय को दिए थे, एक अपना पुस्तकालय SDM ऑफिस को, और एक पेपर न्यूज़पेपर स्टैंड अपने महाविद्यालय को दिया था जहां से हम पढ़कर निकले हैं। तो पता नहीं, कुदरती अपने आप नाम बीच में आ गया। हालांकि मैं चाहता नहीं था कि इसे आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि नेक काम करने के बाद क्रेडिट लेना और उसे फिर सेल्फी के द्वारा, फ़ोटो के द्वारा लोगों तक पहुंचाना, फ़िलहाल ऐसी आदत नहीं रही है। नेकी करो, भूल जाओ। तो दोस्तों, ये बहुत सुंदर कैपेसिटी से बना है ये सारा का सारा पंडाल, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत लगभग 3 दिनों से ये लोग लगे हैं, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, ताकि जो जन समस्याएँ हैं, जो लोग हैं, वो आसानी से यहाँ पर पहुँच सके और एक अच्छा रिज़ल्ट इस जनमंच से निकले। जो लोगों की समस्याएं हैं वो समस्या मौके पे ही निपटा दी जाए, ऐसा प्रावधान इस जनमंच में किया गया है। पिछले कल ब्लॉगिंग की थी, बहुत सुंदर जगह ये हमारा जो कैंपस है, सामने बनौनी महादेव जी का जंगल, इस तरफ हमारी साइंस लैब है। साइंस लैब की तरफ हम थोड़ी देर बाद चलेंगे, उससे पहले ये जो हमारा एलिमेंट्री बिल्डिंग है ब्लॉक, यहाँ पे आप देख रहे हैं शिक्षा विभाग, हिमाचल पथ परिवहन निगम, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, वन विभाग, उद्योग विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, जो आज के मंत्री जी हैं उनका अपना विभाग है। व्यवस्था में लगे हैं बहुत सारे लोग। देखिए, एक बड़े कार्यक्रम को सफल करने में बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज 2 नंबर पे आकर डील कर पाएंगे। उद्यान विभाग से आप 1 नंबर, जो हमारा एलिमेंट्री बिल्डिंग है, वहाँ पर आ गए आप। इस तरफ को आए, आयुर्वेदिक विभाग है जनमंच का, इधर को राजस्व विभाग है, और कृषि विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, इस तरफ बाल विकास परियोजना विभाग, इधर को स्वास्थ्य, और इधर को राजस्व।
विभाग है। उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश का एक बहुत बड़ा विभाग है और ये पूरा का पूरा क्षेत्र लगभग उन्हीं से, पीछे को साइंस लैब दिख रही है दोस्तों, और साथ में ये है हमारा गर्ल्स हॉस्टल। पहले आदर्श विद्यालय के पास था, लेकिन क्योंकि बच्चों ने अप्लाई नहीं करा तो ये फिर महाविद्यालय को दे दिया गया है। अभी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे महाविद्यालय के, स्पेशली गर्ल्स जो हैं रहती हैं और स्टडी कर रही हैं। तो मैं कह रहा था कि महाविद्यालय खुलने के बाद हमारे इस करसोग क्षेत्र की दिशा और दशा बदल गई। थोड़ी देर पहले हमारी बात ये भी चली थी कि वे न्यूज़पेपर स्टैंड डोनेट किए गए हैं, तो दोस्तों ये हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि जिन इंस्टीट्यूशन ने, जिन विद्या के मंदिरों ने हमें अपने जीवन में कहीं ना कहीं पहुंचने में मदद की है, कभी ना कभी लाइफ में अगर मौका मिले तो उन्हें वापस कुछ ना कुछ ज़रूर कर दो। आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन ना जाने किसी और बच्चे के लिए कितनी बड़ी इंस्पिरेशन बन जाए, कितनी बड़ी मदद बन जाए। तो जीवन में ये मंत्र ज़रूर होना चाहिए, उऋण होना बहुत ज़रूरी है। ये इन इंस्टीट्यूशंस का ऋण है हम पे कि इन्होंने हमें ज़िंदगी सिखा दी, ज़िंदगी जीना सिखा दी। कितनी सिखाई ये तो हम पे डिपेंड करता है, कितना हम सीखें ये हम पे डिपेंड करता है। ये है हमारा साइंस ब्लॉक, और साइंस ब्लॉक में मेडिकल की टीम जो है वो रहेंगी। उसके साथ साथ साइंस ब्लॉक के साथ ये आर्ट एंड क्राफ्ट जो ब्लॉक है ये भी मेडिकल डिपार्टमेंट को दिया गया है। तो मेडिकल डिपार्टमेंट से जो भी समस्या है तो वो यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी दोस्तों, मुझे लगता है कि शायद आप इस वीडियो को पसंद करेंगे क्योंकि जनमंच से संबंधित, और साथ में मुझे आज मौका मिला है अपने विद्यालय को आप तक पहुँचाने का। और जैसा मैं कह रहा था कि ये है वो मल्टीपर्पज़ स्टेडियम का पैवेलियन, ये दो मंजिला बनेगा, अंडर कंस्ट्रक्शन है, उस तरफ को स्टेयर्स बनी है, और फिर ये वाली जो जगह है हमारी, यहाँ से भी स्टेयर्स बनेंगी अप टू जो सामने वाली हमारी खड्ड है वहाँ तक। नीचे की तरफ फेंसिंग होगी, इसमें सारा का सारा फेंसिंग से बनेगा। ये महाविद्यालय साथ में दिख रहा है, और फिर ये ग्राउंड जो है इसमें बीच में फुटबॉल ग्राउंड पूरा का पूरा फुली, और 300 मीटर का ट्रैक जिसमें 6 लेन्स होंगी वो तैयार होगा। तो समय इसमें हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब भी ये तैयार होकर आएगा तो बहुत सुंदर एक करसो के लिए नायाब तोहफा होगा ये भी। और क्योंकि हम तो ग्राउंड से जुड़े ही रहते हैं तो हमारा तो थोड़ा सा पर्सनल भी रहता है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपने इंजॉय किया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि बाकी लोगों तक भी ये पहुंचना है तो शेयर ज़रूर करें। मैं राहुल नेगी, राजकीय आदर्श विद्यालय करसोग से आप सभी के बीच इन वीडियो के साथ साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।